इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई आर स्क्वेयर साइज स्क्वेयर डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मुझे इसका फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन फॉर एस ऑर्बिटल शुड स्टार्ट फ्रॉम सम पॉजिटिव वैल्यू लाइक कर्व, यहां से शुरू होता है एस ऑर्बिटल के लिए, फिर आपके पीक्स आते जाएंगे। जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि एस ऑर्बिटल के लिए कर्व यहां से शुरू हो रहा है, जबकि पी ऑर्बिटल के लिए, डी ऑर्बिटल के लिए और एफ ऑर्बिटल के लिए कर्व हमेशा ओरिजिन से शुरू होगा। तो ये डिफरेंस था कि एस ऑर्बिटल के लिए ऊपर से शुरू होता है और पी, डी और एफ के लिए ओरिजिन से शुरू होता है। यहां यस इसमें डिफरेंस आता है कि ऑर्बिटल पे डिपेंड करता है, ओके, अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल पे डिपेंड कर जाएगा। ओके सर स्क्रोडिंगर आपका ये वाला तो हो गया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ 3d(xy) ऑर्बिटल इन yz प्लेन। अब देखो, dxy ऑर्बिटल है yz ऑर्बिट प्लेन में, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। बेसिकली ये नोडल रीजन है, ये नोडल प्लेन है, एंगुलर नोड है ये। एंगुलर नोड मतलब एक ऐसा प्लेन है जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो, जीरो। ओके, क्योंकि यस सर वाई जेड प्लेन में वो ऑर्बिटल है ही नहीं। वो ऑर्बिटल किस में लाई कर रहा है? आपका एक्स वाई प्लेन में हाँ है, तो इस वजह से वाई जेड प्लेन कितना प्रोबेबिलिटी जीरो। ओके आया? सर हाँ हाँ आया बढ़िया, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था अध्याय? द प्रॉपर्टीज ऑफ आई प्रॉपर्टीज ऑफ, उसी चैप्टर का इस चैप्टर का तो प्रॉपर्टीज नहीं था, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को स्टडी कर रहे होंगे शायद। हाँ आइसो जिसमें थर्मल, आइसो आइसो थर्मल क्लोरिक, था। आइसो बारिक, हाँ आइसो एडियाबेटिक, चारों प्रोसेसेस आपने स्टडी की थी। वर्क के बारे में थोड़ा सा बताया था कि वर्क क्या निकल कर आता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ऐसा कुछ वर्क निकल कर आता है ना। और साइन कन्वेंशन को यूज करें तो वर्क डन क्या लिया था हम लोगों ने? पॉजिटिव, नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव लिया था, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूं, दैट इज रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेसेस। आपने 10th क्लास में सुना होगा रिवर्सिबल चेंज, इररिवर्सिबल चेंज के बारे में। क्या होता था? आशय बताएगा रिवर्सिबल चेंज क्या था, इररिवर्सिबल चेंज क्या था। आशय आशय सर रिवर्सिबल चेंजेस वो होता है जो मतलब आप प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मतलब रिवर्सिबल रिवर्सिबल वो आप नहीं चेंज कर एक नोटिसेबल चेंज नहीं है। आपको आई से सकते। नोटिस जैसे होगा आइस कि को वो वाटर में चेंज कर हुआ है। दिया बट वाटर को फिर वापस आइस में। और कुछ श्रेया? रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? केमिकल रिएक्शन जनरली इरिवर्सिबल होती है और मतलब उसको उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज हो जाते हैं या प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है कि हम उसको नॉर्मल प्रोसेसेस से वापस नहीं ला सकते हैं। तो कहने का मतलब तुम्हें लगता है केमिकल प्रोसेसेस सारी सारी अपना इररिवर्सिबल है, मोर और लेस मोर और लेस, ठीक है। यहां पर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, अपना पिस्टन और एक वेसल जो हम लोग अब तक लेते आए। तो यहां पर इररिवर्सिबल चेंज क्या होगा? बेसिकली मेरे पास पिस्टन है, मैंने ऊपर से एकदम से प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाया तो पिस्टन अपनी पोजीशन चेंज करके नीचे आ गया,
हाँ श्रेया, क्या डाउट था? श्रेया लीव कर रही है। हाँ हेलो, हाँ श्रेया क्या डाउट था? तो ये डाउट था कि मतलब ये था कि केमिकल रिएक्शन जो है, मतलब अगर हम कोई केमिकल प्रोसेस से करें तो रिवर्स हो सकती है शायद। केमिकल रिएक्शन रिवर्स हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन 10th क्लास में यही बताया जाता है केमिकल रिएक्शंस रिवर्सिबल नहीं है। चलिए कोई नहीं, देखते जाते हैं। तो पहली बात, इरिवर्सिबल चेंज को आप कैसे देखोगे या इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसे देखोगे? आपके पास एक वेसल है, उसके ऊपर आपने एक पिस्टन लगाया हुआ है। पिस्टन पे जैसे ही प्रेशर दोगे क्या चला हो जाएगा? गैस कंप्रेस हो जाएगी और पिस्टन अपनी पोजीशन चेंज करके नीचे आ जाएगा। ओके, होगा क्या? कुछ इस तरह से आपका पिस्टन आ जाएगा। अब ये हुआ क्या, इस पे आपने कुछ वर्क किया, इस पिस्टन ने यहां पर कुछ वर्क किया। वर्क किया तो वो सारा का सारा वर्क किस चीज में चला जाएगा? आपका हीट ट्रांसफर में। जितना भी हीट ट्रांसफर हुआ उसमें वो वर्क कंट्रीब्यूट कर सकता है, या फिर आपके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में काम आ सकता है। दो काम में ये यूज हो सकता है, या तो हीट ट्रांसफर में, दैट इज क्यू, क्यू में यूज हो सकता है हीट ट्रांसफर में, या इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में काम आ सकता है। दो ही चीजों में ये यूज हो सकता है। सो दो चीजों में अगर ये यूज हो पाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहां पर जैसे ही आपने एकदम से वर्क किया तो क्या होगा, इन दोनों प्रोसेसेस में चला गया। अब एक बात बताओ, मैं इस पिस्टन को वापस से लीव कर देता हूं, जो प्रेशर लगाया था उस प्रेशर को वापस से हटा देता हूं, तो इंटरनल एनर्जी का पार्ट तो शायद वापस आ जाए। जो आपने इंटरनल एनर्जी में कुछ दिया है, डेल यू चेंज कुछ लिया होगा इंटरनल एनर्जी में, क्योंकि आपने कुछ काम किया, तो वो दो जगह का यूज हो सकता है, या तो इंटर टेम्परेचर बढ़ाने में या इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में काम आ सकता है, या हीट ट्रांसफर में काम आ सकता है। इंटरनल एनर्जी वाला तो सिस्टम के पास ही है एनर्जी, लेकिन क्यू तो बाहर निकल गया। तो अगर आप प्रेशर वापस से हटाओगे तो ये पिस्टन वापस अपनी पोजीशन पर नहीं जाएगा। यहां पर प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही आप प्रेशर हटाओगे इंटरनल एनर्जी तो शायद वापस चेंज हो जाए प्रेशर में, लेकिन हीट तो निकल चुकी है सिस्टम से बाहर, तो वो वापस से यूज नहीं हो सकती। तो वापस से पिस्टन अपनी पोजीशन पे जाने की बजाय थोड़ा सा नीचे ही रह जाएगा। ये क्या बोला, कुछ समझ आया? हेलो आद्या, नहीं आया। नहीं आया? देखिए, आपने कुछ वर्क किया, वो दो पार्ट में कंट्रीब्यूट हुआ, हीट ट्रांसफर डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू। परफेक्ट। वर्क किस तरह से किया? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम करके किया। ये प्योरली समझाने के पर्पज से है। सो पी डेल वी विल बी इक्वल टू डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू। लेकिन डेल क्यू क्या है? सिस्टम के पास एनर्जी है, ये एनर्जी तो बाहर निकल गया होगा। आद्या, हाँ हीट ट्रांसफर का मतलब है कि ट्रांसफर हो गई सराउंडिंग को। अब जब आप वापस से इस पिस्टन से प्रेशर हटाते हो तो होगा क्या कि नीचे प्रेशर ज्यादा है, गैस कंप्रेस्ड फॉर्म में है, हाँ नीचे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर की तरफ प्रेशर कम है। वापस पिस्टन अपनी पोजीशन पर जाने की कोशिश करेगा, करना चाहिए, हाँ लेकिन मैं कहता हूं कि पिस्टन अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर वापस नहीं जा पाएगा। एग्जैक्ट पोजीशन पर वापस जा पाता तब जा पाता जब ये जितनी एनर्जी इसने वर्क करके दी थी, क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसने वर्क कर, सॉरी इसको गलत लिख दिया मैंने, डेल डब्ल्यू, यहां पर डेल क्यू डेल डब्ल्यू। हाँ, तो यहां पर क्या हुआ था, इसने कुछ काम किया था, पी डेल भी वर्क किया था, और वो हीट ट्रांसफर और आपका किस में गया था, डेल यू में। तो
तो दो पार्ट में आपका गया इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में और हीट ट्रांसफर में। तो आपने जब पिस्टन से वापस प्रेशर हटाया तो प्रेशर डिफरेंस वापस से क्रिएट हुआ, मतलब इसको ऊपर फिर से डेल्यू में कुछ जाना चाहिए था, ऊपर की तरफ पिस्टन को वापस जाना चाहिए था क्योंकि नीचे से एक फोर्स लग रहा है। फोर्स कितना लग रहा है यहां पर? इंटरनल यहां पर फोर्स आपका प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्रिएट हुआ। अब एक चीज देखो, अगर आप सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी वापस दे पाते तो शायद पिस्टन अपनी पोजीशन पर वापस चला जाता। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर आप दे पाते तो पिस्टन अपनी वापस पोजीशन पर चला जाता। लेकिन क्या हम लोग सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे सकते हैं? बेसिकली वर्क इज ए एनर्जी आद्या, तो जो वर्क हुआ वापस से उतना ही वर्क वापस हो जाए तो पिस्टन अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। हाँ, वो पॉसिबल लेकिन नहीं है। पर वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उस वर्क में से कुछ पार्ट तो निकल गया है बाहर, हाँ तो इस वजह से कभी भी पिस्टन वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आ पाएगा जब सडन जर्क के साथ आप पिस्टन को नीचे की तरफ लेके जाते हो। तो वो जो कुछ या पार्ट एक बाकी एग्जांपल और निकल बताता हूं, घर में पिचकारी देखी होगी आपने, पिचकारी में गया। आगे से दबाओ, पूरा खोल रखा है पिचकारी आपने, आगे से प्रेस कर दिया और फिर प्रेशर से उसको कंप्रेस करो, एयर को, एयर लेके पिचकारी में, पिचकारी को पूरा खोला कंप्रेस किया तो आपको एक प्रेशर फील होगा। आप छोड़ोगे तो एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर कभी नहीं आएगा वापस, थोड़ा सा पीछे आएगा लेकिन एग्जैक्टली उस पोजीशन पर नहीं आएगा जहां से शुरू किया था आपने। सही बोला आद्या, हाँ, ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जैक्टली उस पोजीशन पर वापस नहीं आता है। सर, ये तो आया, उस पोजीशन पे नहीं आएगा, पर वो हाँ आप बोल रहे थे कुछ पार्ट बाहर निकल रहा है, तो उसका क्या लॉजिक दिया वो समझ नहीं आया। भाई, आपने वर्क किया, हाँ एनर्जी है, एनर्जी दो फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, या तो भाई इसका गैस जो अंदर है उसका टेम्परेचर बढ़ा दे या इंटरनल एनर्जी बढ़ा दे। अच्छे वे में बोले तो भाई गैस के मॉलिक्यूल्स कुछ पर्सनल एनर्जी है, उस एनर्जी को बढ़ा सकता है और साथ हाँ साथ क्या कर सकता है कि कहीं बाहर चला जाए हीट की फॉर्म में, क्योंकि जब आप इंटरनल एनर्जी बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो सराउंडिंग के टेम्परेचर से सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा चला जाएगा, हीट ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, मतलब जो उसमें हम लोग दे रहे हैं वो थोड़ा बाहर भी जाएगा। हाँ ठीक है, अब आया आता। समझ? हाँ अंश इंटरनल एनर्जी होता है टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम, मतलब गैस अगर आपने ले रखी है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, उसमें रोटेशनल एनर्जी होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी होगी, उन सब का सम क्या बोला जाता है? इंटरनल एनर्जी। हाँ जी, तो इरिवर्सिबल चेंज कुछ ऐसा होता है, इरिवर्सिबल चेंज कुछ ऐसा होता है सडन जर्क के साथ अप्लाई होता है, एकदम सडन प्रोसेसेस होती हैं। रिवर्सिबल चेंज में या रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनफाइनाइटली सिमल स्मॉल चेंज करते हैं। मतलब स्मॉल से भी बहुत ज्यादा स्मॉल चेंज करें। एक एग्जांपल वापस से, यहां पर क्या करेंगे, आपने अगेन वही लिया, पिस्टन लिया, पिस्टन लिया और नीचे गैस फिलअप कर दी, आप सैंड लेते हो, सैंड देखा है ना आपने घर पे, मतलब बाहर सैंड पड़ा रहता है, तो सैंड कुछ लिया और उस सैंड का एक एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल या एक एक दाना आप डालना शुरू करते हो इस पिस्टन पे। जब आप सैंड का एक दाना डालोगे तो क्या आपको कोई चेंज नोटिस होगा, पिस्टन कुछ नीचे जाएगा? नहीं, आपको कोई चेंज नोटिस नहीं होगा एक दाना डालने से, लेकिन एक्चुअली चेंज हो तो रहा है ना, चेंज हो रहा है लेकिन नोटिस नहीं हो रहा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये टाइप का चेंज हम लोग
नोटिस नहीं कर पाते। रिवर्सिबल चेंज आर नॉट नोटिसेबल, रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर नॉट, द चेंजेस इन रिवर्सिबल प्रोसेस आर नॉट नोटिसेबल, दे आर वेरी वेरी स्मॉल, लाइक बहुत 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 स्मॉल चेंज होते हैं। कितना? इनफाइनाइटली सिमल स्मॉल चेंज, बहुत ज्यादा स्मॉल चेंज जो होगा। एग्जाम्पल मैंने दिया, आप रेत का एक दाना डालो, पिस्टन पता नहीं कहाँ गया, वापस से उठा लोगे तो भी आप पता नहीं चलेगा कहाँ गया, तो हम लोग बोलेंगे उसी की उसी पोजीशन पर है। इस चेंज में आपका पिस्टन उसी की उसी पोजीशन पर है तो हम लोग क्या बोल देंगे, रिवर्सिबल है, कि उसी पोजीशन पर वापस आ सकता है। एक दाना आपने डाला रेत का और एक दाने को उठा लिया वापस से, नहीं, आज तो काफी लोग गायब हैं। और कौन रह गया? हाँ जी, तो रिवर्सिबल चेंज में क्या होगा, इनफाइनाइटली सिमल स्मॉल चेंज आएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, रिवर्सिबल चेंज नहीं बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर प्रोसेस होती है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, इनफाइनाइटली सिमल स्मॉल चेंज है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है, आपके पास चेंजेस काफी बड़े हैं, काफी लार्ज चेंज है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में प्रोसेस वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आ पाती, जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रोसेस अपनी पोजीशन पर वापस आ सकती है। तो सर इसको एक बार नोट डाउन कर लो, मैं बोल रहा हूं। सर हाँ सर आपने वो जो सेकेंड इक्वेशन लिखी है, पी हाँ हाँ इंटू डेल वी इज इक्वल्स टू ये क्यू। गलत है। देखो श्रेया, समझाने के लिए लिखा था कि वर्क चेंज दो पार्ट में स्प्लिट हो सकता है, मैंने साइन कन्वेंशन नहीं लिया है। यहां पर साइन कन्वेंशन डेल क्यू नहीं बोलेंगे, क्यू सीधा, साइन कन्वेंशन मैंने नहीं लिया है क्योंकि हीट यूजुअली बाहर निकल रहा है तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जबकि वर्क किस पे हो रहा है, सिस्टम पे, तो साइन पॉजिटिव रहेगा। ये भी गलत हो सब रखा वी है, नहीं डेल हुआ। यू, डेल यू है ये, थोड़ा सा हाँ ऊपर वाला, ये डेल यू है। हाँ, ये जो आपके पास इंटरनल एनर्जी में चेंज है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो मतलब बढ़ रहा है इंटरनल एनर्जी, तो पॉजिटिव साइन रख दिया। डेल क्यू का साइन क्या हो जाना चाहिए, नेगेटिव हो जाना चाहिए। वर्क डन आपका क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ऐसे लिख सकते हो अगर एग्जैक्ट इक्वेशन लिखना चाहते हो तो। ठीक है, यस सर। एग्जैक्ट लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, बट मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने इस पे काम किया तो दो पार्ट में ये एनर्जी स्प्लिट हो गई, उसको समझाने के लिए मैंने इसको लिखा था। चलिए, इनफाइनाइट सिमल, सिमल इनफाइनाइट सिमल, ठीक स्पेल ठीक कर लेना, इनफाइनाइट सिमल है। रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में लिखो, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस इज कैरिड आउट इनफाइनाइट सिमली स्लोली, द रिवर्सिबल प्रोसेस इज कैरिड आउट
द रिवर्सिबल प्रोसेस इज कैरिड आउट इनफाइनाइटसिमली स्लोली. द रिवर्सिबल प्रोसेस इज कैरिड आउट इनफाइनाइटसिमली स्लोली. Second point, it takes infinite time for completion. It takes infinite time for completion. मतलब आपको वॉल्यूम में अज्यूम करो यहां से यहां तक जाना है, गैस को इतना कंप्रेस करना है, तो इसमें कितना टाइम लग जाएगा? रेत का एक एक दाना डालते जा रहे हो, इतना छोटा छोटा चेंज करते जा रहे हो, तो इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा इसमें. आद्या? हाँ, बहुत लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा. हाँ, तो इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, क्योंकि अपन बोलते हैं कि चेंज नोटिस ही नहीं होता तो कुछ नीचे गया ही नहीं, और नीचे नहीं गया तो फिर कंप्लीट कैसे होगा. तो इस वजह से हम लोग क्या बोल देते हैं, इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन. एट एनी स्टेज द इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब्ड. एट एनी स्टेज द इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब्ड, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, हमेशा प्रेशर दोनों साइड बराबर है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा. ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, अपनी पोजिशन पर मेंटेन्ड है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ है. तो हम लोग बोल रहे हैं कि एट एनी स्टेज द इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब्ड. लिखा? हाँ. चलिए बहुत बढ़िया. मैं रिवर्सिबल और बोल नहीं सॉरी इररिवर्सिबल और बोल देता हूं. इररिवर्सिबल प्रोसेस, इररिवर्सिबल प्रोसेस. It is carried out rapidly. It is carried out rapidly. Equilibrium may exist. Equilibrium may exist only after completion of process. 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 It takes finite time for completion. It takes finite time for completion. It takes finite time for completion. कुछ चीजें और हैं. यहां पर पिस्टन को मासलेस अज्यूम किया जाता है. जब भी मैं ये पिस्टन और वेसल बनाता हूं तो वहां पर पिस्टन को मासलेस अज्यूम किया जाता है, अदरवाइज पिस्टन भी एक प्रेशर एग्जर्ट करने लगेगा, दैट इज इक्वल टू mg, जो उसका फोर्स है, इनटू उसका एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, फोर्स इनटू एरिया करके प्रेशर ये पिस्टन भी लगाने लगेगा. इसी वजह से पिस्टन को मासलेस अज्यूम किया जाता है. ओके, तो यहाँ पे इरिवर्सिबल में जो आप नीचे इक्वेशन लगाया है वो एक बार और बता दीजिए ना. इरिवर्सिबल में कोई इक्वेशन नहीं लगाई आद्या. क्या नीचे ये वाला पार्ट? क्या आपने कुछ काम किया आद्या, वर्क किया? नहीं, यहाँ पे ये जो है नीचे, हाँ, वही तो लिखा हुआ है, और क्या है? हाँ, वर्क क्या है? पी डेल वी, कल क्लास में, लास्ट क्लास में समझाया था. हाँ, तो डेल डब्ल्यू क्या लिख दिया मैंने, पी डेल वी. ये वर्क किस काम में आएगा? हीट ट्रांसफर, हीट बाहर निकलेगी क्योंकि मैंने कंप्रेस कर रहा हूँ. हाँ, तो टेम्परेचर चेंज होगा अगल बगल.
तो यहां पर हीट ट्रांसफर हुआ, हीट बाहर निकली तो अपना नुकसान हुआ, हीट बाहर निकली है तो अपना नुकसान हुआ है, और कहीं पे भी अपना नुकसान, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं खुद को सिस्टम मान रहा हूँ, मेरा नुकसान मतलब नेगेटिव साइन, तो मैंने क्यू के आगे क्या लगा दिया, माइनस साइन। और डेल यू, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, मेरा कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है, मेरी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो पॉजिटिव साइन। ये इक्वेशन लिख ली, आया? हाँ। चलिए, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस हुई। हाँ। तो अब हम लोग कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, मैंने हीट कैपेसिटी के बारे में बताया आपको? हाँ बताया है। ठीक है, फॉर ए आइसोथर्मल प्रोसेस द हीट कैपेसिटी विल बी, फर्स्ट आंसर जीरो, फॉर ए आइसोथर्मल प्रोसेस द हीट कैपेसिटी विल बी जीरो, पहला ऑप्शन जो है वो जीरो, सेकंड ऑप्शन इनफाइनाइट, फॉर ए आइसोथर्मल प्रोसेस द हीट कैपेसिटी विल बी, फर्स्ट आंसर जीरो, सेकंड ऑप्शन इनफाइनाइट, थर्ड ऑप्शन 100 और फोर्थ ऑप्शन 1। बताइए, फॉर ए आइसोथर्मल प्रोसेस द हीट कैपेसिटी विल बी, श्रेया? यस सर। फॉर ए आइसोथर्मल कैपेसिटी, आइसोथर्मल प्रोसेस द हीट कैपेसिटी विल बी, हीट कैपेसिटी कितनी होगी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए? बताओ, कुछ तो बताओ। सर ऑप्शंस क्या थे? जीरो, इनफाइनाइट, 100, 1। जीरो, इनफाइनाइट, 100, 1। जीरो, इनफाइनाइट, 100, 1। चारों पांचों ऑप्शन, चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? तो इसके लिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग देखेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस होती क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और हीट कैपेसिटी डेफिनेशन क्या बोलती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। परफेक्ट। और आप बोल रहे हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, तो क्या हीट कैपेसिटी हम लोग जस्टिफाई कर पाएंगे, क्या कभी भी 1 डिग्री से टेम्परेचर को राइज कर पाएंगे? आद्या, नहीं कर पाएंगे। और 1 डिग्री से अगर टेम्परेचर को राइज नहीं कर पाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 डिग्री से टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट लगी, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि राइज कर ही नहीं पा रहे हैं बेसिकली, तो 1 डिग्री से राइज करने के लिए कितनी हीट लग रही है, इनफाइनाइट, और वही क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी। हाँ। नहीं आया? तो पर हीट कैपेसिटी में तो 1 ही डिग्री तो करना रहता है। हाँ, तो 1 डिग्री कहाँ राइज हो पाया आद्या, 1 डिग्री राइज करना था लेकिन कहाँ राइज कर पा रहे हैं? अच्छा हाँ, उसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है ना। हाँ, रिवर जो आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, तो 1 डिग्री से राइज करने के लिए कितनी हीट लगेगी, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट, इनफाइनाइट हीट लगेगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी विल बी इनफाइनाइट। मतलब अगर आपको ऐसे लिखे कुछ, हाँ पर सर जब होता ही नहीं, चेंज होता ही नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं इनफाइनाइट होगा, तो जीरो हो जाएगा ना, किसी भी हालत में। सुनो,
श्रेया, जीरो तब होता जब हम हीट दे ही नहीं पाते। हाँ तो इसका तो एडियाबेटिक वही तो नहीं है, होगी ये तो आइसोथर्मल है, यहां पर वोल्स हीट ट्रांसफर कर सकती हैं। तो ना। आप जितनी भी हीट दोगे वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट होती रहेगी, इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो होगा। ऐसी प्रोसेस ये समझा सर। है ना। तो आप इनफाइनाइट भी हीट दे दोगे तो भी सारा सारा वर्क में कन्वर्ट होगा, टेम्परेचर में राइज नहीं होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी कितना, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हीट देने से ही 1 डिग्री में राइज होगा, वो कभी अचीव नहीं होगा। परफेक्ट आया या नहीं आया? हाँ सर आया। आया आया, चलो बहुत बढ़िया। सो सी टी शुड बी इनफाइनाइट। सी किसके लिए यूज करते हैं सिंबल, हीट कैपेसिटी के लिए। और कुछ भी चीज नीचे लिखी होती है तो वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। सो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। आया, ये नोटेशन है, लिख लो। सी किसके लिए यूज करते हैं, हीट कैपेसिटी के लिए। अब एक और चीज बताओ, फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस व्हाट विल द वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी। अगेन आइसोथर्मल का मैंने पूछा, एडियाबेटिक में कितना होगा, जीरो जीरो। क्योंकि एडियाबेटिक में एक्चुअली हीट ट्रांसफर हो ही नहीं पाता है, और अगर हीट ट्रांसफर नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, कितना चेंज है, कितना हीट लगेगा राइज करने में 1 डिग्री से। तो बेसिकली हीट दे ही नहीं पा रहा है। मैथमेटिकली देखूं तो हीट कैपेसिटी शुड बी हीट टेकन बाय द सिस्टम डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर चेंज से डिवाइड कर दूं टोटल हीट को तो क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका हीट कैपेसिटी निकल के आ जाएगा। कहीं पर भी टोटल हीट को चेंज इन टेम्परेचर से डिवाइड कर दूं, मैंने एक सिस्टम लिया 5 डिग्री से इसका टेम्परेचर राइज किया, उसके लिए क्यू अमाउंट ऑफ हीट लगी। एक सिस्टम लिया कोई भी रैंडम, इसका 5 डिग्री से टेम्परेचर राइज किया, 5 डिग्री से, और इस प्रोसेस में कितनी हीट लगी, क्यू अमाउंट ऑफ हीट लगी। तो मैं बोलूं 1 डिग्री से राइज करने के लिए कितना चाहिए होगा, तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा Q/5। 1 डिग्री से राइज करने के लिए कितना चाहिए होगा हीट, Q/5। क्योंकि टोटल 5 डिग्री से राइज करने के लिए कितना, Q। तो 1 डिग्री से के लिए कितना हो जाएगा, Q/5। सही है क्या आद्या? यस सर। प्रणव एक बात बताओ, तो क्या ये फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूं मैं, हीट कैपेसिटी शुड बी इक्वल टू Q/∆T, टोटल हीट ट्रांसफर डिवाइड बाय टेम्परेचर। इसको बोल दो टोटल हीट ट्रांसफर। क्यू हो गया आपका, डेल्टी क्या, चेंज इन टेम्परेचर। प्रणव क्या ये ठीक है? यस तो इस फॉर्मूला को लिख लो, और एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, चेंज हीट ट्रांसफर शुड बी जीरो। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो उसमें हीट ट्रांसफर जीरो हो जाएगा, तो क्यू का वैल्यू जीरो हो गया डिवाइड बाय डेल्टी। डेल्टी कितना, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू का वैल्यू जीरो हो जाएगा, डेल्टी का कुछ भी वैल्यू रख लो, हीट कैपेसिटी हमेशा जीरो आ जाएगी। अगर क्यू जीरो हो गया तो हीट कैपेसिटी तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। ठीक है प्रणव, समझ आया? सर, हाँ सर, हाँ एक अंश बोलो। बार एडियाबेटिक का वो डेफिनेशन बता दीजिए। एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है, जैसे आपने थर्मस देखा है, आपका अंश घर पे थर्मस देखा है, यस सर।
थर्मस में ना तो आउटसाइड से हीट अंदर आ सकती है ना थर्मस के अंदर से हीट बाहर जा सकती है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हीट भी एक्सचेंज नहीं होती और मैटर भी एक्सचेंज नहीं होता। देर इज नो हीट ट्रांसफर, देर इज नो मैटर ट्रांसफर। तो गैस भी एस्केप नहीं कर सकती, जो अंदर गैस है वही गैस रहेगी और आपका हीट ट्रांसफर भी नहीं हो सकता। तो एडियाबेटिक बेसिकली आइसोलेटेड सिस्टम है, बिल्कुल दुनियादारी से कटा हुआ, इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है। ये क्या करेगा, खुद में बस खुद में खुश है कि मैं जो कुछ है मेरे पास मैं उसी में खुश हूँ, मेरे पास जितनी हीट है मैं उसमें खुश हूँ, मेरे पास जितना मैटर है मैं उसमें खुश हूँ। तो ये एक्सचेंज नहीं करता है किसी के साथ, ना तो हीट एक्सचेंज करता है ना मैटर एक्सचेंज करता है। ठीक है अंश? यस सर। चलिए तो ये एक बार नोट डाउन कर लीजिए। जैसे ही हो जाए तो मैं आपको एक और टर्म बताता हूं, मोलार हीट कैपेसिटी। मोलार हीट कैपेसिटी कैसे डिनोट करेगा, सी एन से। हीट कैपेसिटी सी है, नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर दिया, दैट इज वन मोल। तो सी एन क्या हो जाएगा, मोलार हीट कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, आपको मोलार हीट कैपेसिटी क्या होता है, बेसिकली द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस बाय वन डिग्री सेल्सियस। अब हीट कैपेसिटी कितना भी मोल्स हो सकता है, एन नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं हीट कैपेसिटी में, लेकिन मोलार हीट कैपेसिटी में क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिक्स होती है, वन मोल ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं। तो अगर मैं मोलार हीट कैपेसिटी की बात करूं तो मोलार हीट कैपेसिटी क्या होगा, Q डिवाइड बाय N इनटू डेल टी। इस बार नंबर ऑफ मोल्स से भी डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि आपको नंबर ऑफ मोल्स भी वन चाहिए। ये आपके पास मोलार हीट कैपेसिटी हो जाएगा और मोलार हीट कैपेसिटी शुड बी Q डिवाइड बाय N डेल टी। डेल टी से तो कर ही रहे थे, नंबर ऑफ मोल से भी डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि आपको वन मोल ऑफ सब्सटेंस चाहिए। आदे ये क्या बोल रहा हूं, कुछ समझ आया? हाँ। तो इस बार फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाय N डेल टी। ये मोलार हीट कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला होगा। ये भी लिख लीजिए जल्दी से और होते ही बताइए। हो गया, इस साइड का तो मैं हटा सकता हूं आई थिंक। आपके पास अगर ऐसा लिखा जाए सीवी तो उसका क्या मतलब होगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीवी अगर लिखा जाए तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
Cp अगर लिखा जाए तो हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये जो नीचे है इसका मतलब होता है ये पार्ट कॉन्स्टेंट है जब इस टर्म को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये टर्म क्या है, हीट कैपेसिटी, और कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ पर, प्रेशर। तो हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज नोन एज Cp, और Cv क्या होगा, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये भी एक बार लिख लीजिए, Cp Cv क्या होते हैं। Cv क्या होगा, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, Cp क्या होगा, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। हो गया बहुत बढ़िया। मोलर कैपेसिटी ये सब कुछ हो गया। तो अब हम लोग वापस से अपनी प्रोसेसेस पे आते हैं। मैंने यहां पर एक आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस ली है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल बोलने का क्या मतलब है, आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट होगा इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। और रिवर्सिबल का क्या मतलब हुआ कि आपके पास पिस्टन में विजिबल चेंज नहीं होगा लेकिन कुछ चेंज होगा, वो कितना होगा, बहुत ही स्मॉल वैल्यू। इंटीग्रेशन में आपने सुनी होगी डीवी बोलते हैं, dv बहुत स्मॉल चेंज को बोला जाता है। तो उस चेंज को मैंने यूज किया है, dv बोला है इसे। ओके, इस प्रोसेस में मैंने dv बोला है। वर्क डन कितना हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम, इफ चेंज इन वॉल्यूम इज डीवी देन टोटल वर्क डन, क्योंकि टोटली तो ये प्रोसेस कहां तक आई होगी, यहां तक आई होगी, छोटे छोटे वॉल्यूम करके यहां तक ये प्रोसेस नेट पहुंची होगी, थोड़ा थोड़ा चेंज करके इनफाइनाइट टाइम में। इस प्रोसेस क्या बोल देंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस, इनफाइनाइट टाइम में बहुत छोटे छोटे चेंज करके यहां तक पहुंची है। अगर उन सारे चेंजेस को मैं इंटीग्रेट कर दूं तो बेसिकली आपका टोटल वर्क डन निकल कर आ जाएगा। तो पहले छोटे चेंज के लिए टोटल वर्क डन कितना होगा, प्रेशर इनटू डीवी, वर्क डन फॉर फर्स्ट प्रोसेस, मतलब बहुत छोटे छोटे चेंज जो करके आए हैं। पहले चेंज के लिए टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, पी डेल वी, और इसको अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो टोटल चेंज निकलकर आ जाएगा, इंटीग्रेशन। सो वर्क को अगर इंटीग्रेट करें माइनस पी, या इसको ऐसे करो माइनस पी डीवी, बेसिकली इसको आपको इंटीग्रेट करना है। लेकिन क्या आपको प्रेशर की वैल्यू पता है, नहीं पता अपने को प्रेशर की वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू नहीं पता, टेम्परेचर कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पता है। तो मैं यूज करूंगा पीवी इज इक्वल टू एन आर टी को, मान लो एन नंबर ऑफ मोल्स है, टी टेम्परेचर है, वॉल्यूम अपने को पता है, तो प्रेशर विल बिकम इक्वल टू एन आर टी बाय वी, प्रेशर विल बिकम इक्वल टू एन आर टी बाय वी। वर्क डन को क्या लिख सकते हो, माइनस एन आर टी बाय वी
और यहां पर dv, और इसी चीज को लिखा जा सकता है माइनस nRT, dv बाय v, ठीक है क्या? माइनस एनआरटी डी वी बाय वी, इसको इंटीग्रेट करो अगर इंटीग्रेशन आता है तो, जो आईआईटी सेक्टर से है उनको इंटीग्रेशन आना चाहिए, डीवी बाय वी को इंटीग्रेट कैसे करेंगे? यहां पर लिमिट्स मैं लगा रहा हूं वी इनिशियल एंड वी फाइनल, दो लिमिट मैंने लगा दी हैं, आप इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, क्या होगा? dv बाय v का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln v होता है, तो मैं इसको लिख दूंगा माइनस nRT ln v, और लिमिट्स क्या क्या रखनी है? लिमिट्स मैंने रखनी है v इनिशियल एंड v फाइनल, ऐसा लिमिट हो जाएगा। अब मैं इसी चीज को लिख दूंगा वर्क इज इक्वल टू माइनस nRT ln v final minus v initial, ठीक है क्या? ln v initial, ln क्या है? नेचुरल लोगोरिथम को ln बोला जाता है, आपने अगर पढ़ा हो मैथमेटिक्स में तो नेचुरल लोगोरिथम को, दैट इज log टू द बेस e को ln बोला जाता है, log टू द बेस e x को क्या बोला जाता है? ln x, लोग का बेस अगर e है तो उसको ln x बोल देंगे। वर्क डन कितने बराबर आ गया? nRT ln vf minus vi, सही है क्या? हेलो आद्या, ये क्या किया, कुछ समझ आया? हाँ आया, आया ना, तो फिर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। log a माइनस log b को क्या लिख सकते हैं? log a अपॉन b, वर्क डन विल बिकम इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन वी फाइनल डिवाइड बाय v इनिशियल, ये चीज लिखी जा सकती है, और इसी चीज को मैं लिख सकता हूं वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी लोग टू द बेस 10 वी फाइनल माइनस वी फाइनल डिवाइड बाय वी इनिशियल, ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा। क्या किया यहां पर आद्या? नेचुरल लॉग को जब भी लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है, ln x इज इक्वल टू 2.303 लॉग टू द बेस 10 x, ये बराबर होता है, तो मैंने इसको यूज कर लिया। यहां पर क्या किया? लॉग a माइनस लॉग b को लॉग a अपॉन b कर दिया, और इस तरह से ये आपका पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस में कंप्रेशन या एक्सपेंशन के लिए, दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो, डेरिवेशन इस टाइप से है।
हाँ मतलब अगर कंप्रेशन निकालना हो नहीं श्रेया, देखो लॉग में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं हम लोग, अगर आप नहीं भी करना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यूजुअली लॉग की वैल्यूज याद रहती है, लॉग टू द बेस 10 की वैल्यू कितनी है, जैसे मैंने आपको बताया था लॉग टू की वैल्यू कितनी है 0.3, लॉग थ्री की वैल्यू कितनी है 0.5, तो जो वैल्यूज होती हैं वो आपको लॉग की पता है उतनी नेचुरल लॉगरिथम की वैल्यूज नहीं पता होती हैं, तो इस वजह से हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं अपने इजी हो जाए अपने लिए तो उसके लिए। हाँ आद्या आप बोलो। सर, ये जो डेरिवेशन है आप निकाले वो कंप्रेशन के लिए है? वो दोनों के लिए वैलिड है क्योंकि मैंने वर्क डन तो डायरेक्टली उठाया है कि पीडीवी वर्क है, मैंने ये तो नहीं कहा कि कंप्रेस हुआ या एक्सपेंड हुआ, दोनों के लिए वैलिड है। जब आप वैल्यूज पुट करोगे, क्योंकि कंप्रेशन में क्या होगा, वी फाइनल इज लेस देन वी इनिशियल, तो ये हाँ, ओवरऑल वर्क क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अच्छा, अगर मतलब आप वर्क डन कितना हो रहा है कंप्रेशन और उसमें वर्क रेशियो डन की में? वैल्यू देखो, कंप्रेशन के केस में वर्क डन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चला जाएगा क्योंकि वी फाइनल विल बी लेस देन वी इनिशियल, तो अगर आप इसको करने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू बड़ी ऊपर वाली वैल्यू छोटी, तो जब आप हाँ कैलकुलेट करने जाओगे तो यहां से समझ लो नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो ये ओवरऑल नेगेटिव में निकल के आएगा पूरा टर्म, हाँ और पूरा टर्म नेगेटिव में बाहर एक नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और कंप्रेशन में क्या कर रहे हैं, हम सिस्टम पर काम कर रहे हैं, सिस्टम का फायदा हो रहा है, पॉजिटिव आना चाहिए था साइन, पॉजिटिव हाँ आ गया आया। है ना। उसी की जगह अगर आप एक्सपेंशन करते हो तो वी फाइनल शुड बी ग्रेटर देन एक्सपेंशन, मतलब नीचे वर्क सिस्टम ने वर्क किया हाँ तो वी फाइनल शुड बी ग्रेटर देन वी इनिशियल क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है एक्सपेंशन किया है, नेगेटिव तो में आया। ये क्या आएगा पॉजिटिव में आ जाएगी ये टर्म, ओवरऑल ओवरऑल क्या आ जाएगा नेगेटिव में, सो हाँ ओवरऑल अगर नेगेटिव में है तो क्या बोलूंगा, पूरा वर्क नेगेटिव आ रहा है, मतलब सिस्टम ने काम किया है, सिस्टम का लॉस हुआ है, नेगेटिव साइन है ना, हाँ नेगेटिव आया ना। हाँ आया सर, वहां पे -2303 कैसे आया? ना अंश देखो, ln x इज इक्वल टू 2.303 log टू द बेस 10x, जो आपका log टू द बेस e से log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हो तो जो फैक्टर यूज होता है वो 2.303 का होता है। अंश ये मैथमेटिक्स का थोड़ा सा पार्ट है, शायद बताया भी गया होगा मैथमेटिक्स में, यस सर। नेचुरल लॉगरिथम को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करें तो उसके लिए जो फैक्टर होता है वो 2.303 होता है। आया समझ? यस सर। और सर, एग्जाम में वो लॉग का वैल्यू दिया जाता है क्या? कहीं नहीं, तो कितने तक याद करना पड़ता है? जरूरत नहीं पड़ती अंश, जैसे मैंने क्लासरूम में कराया है, लॉग टू का वैल्यू पता होना चाहिए, लॉग फाइव का वैल्यू पता होना चाहिए, लॉग सेवन का वैल्यू पता होना चाहिए, और लॉग वन का वैल्यू लॉग वन एंड लॉग टेन का वैल्यू पता होना चाहिए। तो वो मैंने लिखवाया था क्लासरूम में, एक पूरी क्लास है उस पे, शुरुआत का मूल कॉन्सेप्ट में एक बार देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालेंगे। अब एक बात बताइए, आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? जीरो। 0, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज हुआ नहीं है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी शुड बी 0, सो आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 है। टोटल वर्क आपने कितना किया, इतना वर्क किया आपने, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रेक्शन क्या हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, लेकिन टोटल कितना हुआ, इतना वर्क हुआ है, परफेक्ट। टोटल वर्क कितना, इतना वर्क हुआ। अब ये सारा वर्क किस काम में आना चाहिए, इंटरनल एनर्जी में चेंज तो 0 है मतलब सिस्टम की एनर्जी तो बढ़ नहीं रही, तो फिर ये एनर्जी जा कहाँ रही होगी, ये हीट ट्रांसफर में काम आ रही होगी, ये सराउंडिंग को उस एनर्जी को हीट की फॉर्म में ट्रांसफर कर दे रहा होगा,
ये जो सिस्टम है जितनी जितना इस पर वर्क हुआ या इसने जितना वर्क किया वो उसके लिए एनर्जी कहाँ से ले रहा होगा या कहाँ पर एनर्जी दे रहा होगा, वो बेसिकली सराउंडिंग को एनर्जी दे रहा होगा या सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा होगा, ऐसा ही होना चाहिए नहीं? अध्याय मैंने पिछली क्लास में एक इक्वेशन लिखवाई थी, क्या इक्वेशन लिखवाई थी? Q इज इक्वल टू कुछ बताया होगा, डेल U प्लस W कुछ बताया था, हाँ। वर्क को अगर मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ डेल U पॉजिटिव रहेगा, Q क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। So, मैंने क्या किया, डेल U को पॉजिटिव लिया, वर्क मैंने पॉजिटिव, तो हीट बाहर निकल गया। और कुछ लेना था इसमें? वर्क किया, हीट सप्लाई की, हाँ, डेल U इज इक्वल टू Q प्लस W, ये लिखवाया होगा शायद, ये लिखवाया था क्या आद्या? हाँ लिखवाया था। हाँ, तो यहाँ पर डेल U कितना है? जीरो हो जाएगा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो, जीरो। So if change in internal energy is zero, in that case the Q will be equal to minus W. तो हम अपने पास जो भी वर्क का वैल्यू निकल के आ रहा है, Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसके आगे एक और नेगेटिव लगा दो, है ना? तो वर्क का वैल्यू निकालना सीखे इसमें, कैसे निकाल सकते हैं? और हीट का वैल्यू भी निकालना सीख लिया कि हीट कैसे निकालेंगे, हीट ट्रांसफर्ड कितनी है, दैट शुड बी इक्वल टू माइनस W। हीट ट्रांसफर्ड की बात करूं तो माइनस W के बराबर होगी। तो यहां पर दोनों चीजें हम लोगों ने निकाल ली, कॉपी आप लोग कर लो और जैसे कॉपी हो जाए बोल देना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन आपको देता हूं। आदर जैसे ही कॉपी हो जाए एक बार बता देना। हुआ क्या? नहीं सर।
चलो कर लो। हो गया हो गया सबका हुआ प्रणव? यस सर। ओके, राइट डाउन वन क्वेश्चन। कैलकुलेट द वर्क परफॉर्म बाय कैलकुलेट द वर्क परफॉर्म बाय टू मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस व्हेन इट इज एक्सपेंडेड फ्रॉम विच एक्सपेंड्स आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली विच एक्सपेंड्स आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 15 liters to 50 liter. Calculate the work performed by 2 moles of hydrogen gas at 25 degrees Celsius, which expand reversibly and isothermally from 15 liters. एक सेकेंड, 12 लिख दिया गलती से. From 15 liters to 50 liter. Try करो इसको एक बार. हाइड्रोजन गैस के 2 मोल हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर हैं, एक्सपेंड कहां से कहां कर रहा है 15 लीटर्स टू 50 लीटर. एक्सपेंशन कैसा है? आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन. तो यूज करो और निकाल के दो कि क्या निकल कर आएगा. डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है ना? हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है. अगर वैसे करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. पूरा ड्राइव कर लो. सर हाँ जी, क्या आया आंसर?
लॉग का वैल्यू कैसे निकालेंगे? लॉग 50/15 का कितना आ रहा है? लॉग 50/15 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? लॉग 50/15 5 से कट कर दें, कितना आया? 10/3 यस सर। इसको क्या लिख दो? लॉग 10 माइनस लॉग 3। लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.7, लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.5 और लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। तो 1 माइनस 0.5 ये आंसर कितना आ जाएगा? 0.5। देखिए किसी कोई डाउट है तो इस पार्ट में बता दो। भेज दिया आपका आंसर निकला प्रणव। एक्चुअली मेरे पास आंसर 1.20 ना भाई प्रणव, गलत लग रहा है। श्रेया का भी गलत लग रहा है। टेम्परेचर कितना रखा तुमने? टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखेंगे। सर केल्विन में क्या है सर? 2.303 × 8.314, क्योंकि जूल में एनर्जी जब निकालनी हो तो 8.314 यूज करते हैं आर का वैल्यू। टेम्परेचर कितना? 298 और इंटू इसका वैल्यू तो मैंने निकाल ही दिया, कितना है? 0.5। कर दो कैलकुलेट। कर दिया है क्योंकि मेरे पास आंसर इस कैलोरी में है, तो मैं ये बंद देख लेता हूँ। 303 × 8.314 × 298 × 0.5 2852 फिर तो सही है। प्रणव का ठीक था? नहीं, प्रणव का भी गलत था, श्रेया का भी गलत था। ठीक है, 2852 अपना निकल कर आया। तो मेरा 503.432 सो वो 2 और 0.5 कैंसिल हो जा रहा ना, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली 8.314 इनटू 2। एक फैक्टर और भूल रहे हैं हम लोग। एक फैक्टर क्या भूल रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू 2। मोल्स ऑफ गैस दिया था, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। श्रेया ओके यस हाँ, तो 2 का फैक्टर और आ जाएगा, 0.5 इंटू 2 कर देंगे तो 1 हो जाना चाहिए, और इसी वजह से आंसर गलत आ रहा था। आंसर कितना आना चाहिए? डबल कर दो, 28 कितना आया था श्रेया? 28 52.9 कर दो 5705 आपका आना चाहिए। देखिए यहां पर क्या पुट किया, 2.303 nRT, n नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2, r कितना 8.314, टेम्परेचर 298, क्योंकि टेम्परेचर किस में रखेंगे? केल्विन में रखा जाता है। log 10 v फाइनल डिवाइड बाय v इनिशियल, तो log to the base 10, v final कितना? 50 divide by 15, so इसको क्या लिख देंगे? 10/3। log a by b को क्या लिख सकते हैं? log a minus log b, so 1 minus 0.5, that is 0.5, तो इसकी वैल्यू क्या रख दी मैंने? 0.5 रख दी और आपका आंसर निकल कर आ गया। समझ आया? किसी कोई डाउट है तो बताओ। आशय सर हां जी, श्रेया बोलो
सर जब हम हर चीज एसआई में लिखते हैं तो फिर हम आर को सी मतलब सीजीएस में क्यों लेते हैं? एट आर को पॉइंट थ्री कहाँ वन सीजीएस में फोर लिया है, ये एसआई यूनिट ही है। आर जो 8.314 है ये एसआई यूनिट है। जब आप प्रेशर और वॉल्यूम को जो आर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में 0.0821 लेते हैं, वो किस वजह से लेते हैं? जब प्रेशर को एटीएम में लिया जाए और वॉल्यूम को लीटर में ले तो वो एसआई यूनिट नहीं है बेसिकली। तब आप आर को क्या लेते हो? 0.0821। आर 0.0821 कब लिया जाएगा? जब आप प्रेशर को लो एटीएम में, वॉल्यूम को लो लीटर में। वॉल्यूम भी एसआई यूनिट नहीं है, प्रेशर भी एसआई यूनिट नहीं है, तब आर का वैल्यू 0.0821 लिया जाता है। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां तो आपको एसआई में कन्वर्ट करना है। जब भी आपको जूल में वैल्यू निकालनी हो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में कहीं अगर आपको वर्क डन निकालना हो या ऐसा कुछ निकालना है और जूल में आपको आंसर चाहिए, मतलब एसआई यूनिट में आंसर चाहिए, तो 8.314 ही यूज करते हैं श्रेया। ओके सर। ओके, 8.314 स्टैंडर्ड है, एसआई वाला है। जबकि जो 0.0821 है वो किस केस में यूज करेंगे? जब प्रेशर को एटीएम में लिया हो, वॉल्यूम को लीटर में यूज किया हो। सर बट इस केस में भी तो वॉल्यूम को लीटर में ली वॉल्यूम दी लीटर है। में लिया है लेकिन ऊपर और नीचे वॉल्यूम है, तो अगर आप कन्वर्जन का फैक्टर लगाते भी तो वॉल्यूम से कैंसिल आउट हो जाता चलो हाँ है यस ना। तो ये कॉपी करने की जरूरत है तो कॉपी कर लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। सर हो गया। हो गया। कैलकुलेट वर्क डन इफ दिस प्रोसेस इज डन इररिवर्सिबली। अगर मैं इसी प्रोसेस को इररिवर्सिबली करता हूं तो कितना वर्क डन आएगा, कैलकुलेट करो। कैलकुलेट वर्क डन इफ दिस प्रोसेस इज डन इररिवर्सिबली। ये अच्छा क्वेश्चन है, पहले वाला तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, इसमें सोचना पड़ेगा। कैलकुलेट वर्क डन इफ दिस प्रोसेस इज डन इररिवर्सिबली। इररिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन कितना? पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम, डायरेक्टली एक्सटर्नल प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम कर दूं तो वर्क डन के बराबर आ जाएगा। सो बेसिकली माइनस पी डेल वी शुड बी वर्क डन, वर्क डन शुड बी माइनस पी डेल वी, बस इतना सा। इसको यूज कर सकते हो अगर करना चाहो तो, लेकिन इसको यूज करने के लिए भी सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन बढ़िया बना दिया है। यहां पर प्रेशर तो गिवन ही नहीं, आद्या कैसे करें? आद्या यहां नहीं कितना निकल के आया श्रेया? मैं कह रही पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से हाँ, कर पीवी लेंगे। इज इक्वल टू एनआरटी से प्रेशर निकाल सकते हो। प्रेशर आपको गिवन नहीं है पर आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से निकाल सकते हो, यूज करो। सर बट इसमें वी जो है वो इनिशियल वॉल्यूम लेंगे या फाइनल वॉल्यूम लेंगे? ये तुम्हें सोचना है। ये क्या होता है, प्रेशर आप देखोगे कि प्रेशर नेट कितना लग रहा होगा, जब फाइनल स्टेट में इक्विलिब्रियम में पहुंचा होगा वहां का प्रेशर चेक करोगे।
क्योंकि आउटसाइड से तो हमेशा वही प्रेशर लगता रहेगा, इनसाइड का प्रेशर चेंज हो रहा है, इन आउटसाइड से हमेशा सेम प्रेशर लग रहा है, तो उस आउटसाइड वाले प्रेशर के अगेंस्ट काम हुआ है। आप इनसाइड वाले प्रेशर से थोड़ी चेक करते हो कि काम कितना हुआ, आप देखोगे कि बाहर से कितना प्रेशर लग रहा था, तो आउटसाइड वाला प्रेशर तो कॉन्स्टेंट ही है। ये प्रेशर बेसिकली पहले क्या था, कम था, एक्सपेंशन हुआ और फाइनली इस प्रेशर के बराबर नीचे वाला प्रेशर हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आपका प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ गया। तो आउटसाइड वाला प्रेशर यूज करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, फाइनल वाले टर्म। हम्म, आया? हाँ भाई, किसी का वैल्यू निकला क्या? हाँ, श्रेय अंश का। सर, थर्मोडायनेमिक्स के लिए प्री रिक्वेसाइट क्या है? थर्मोडायनेमिक्स के लिए थोड़ा सा गैसियस स्टेट रिक्वायर्ड है अंश, और मोल कॉन्सेप्ट तो चाहिए, दो चैप्टर। सर चार प्रोसेस आप बताए होंगे ना, उसने थर्मोडायनामिक्स में हाँ, अभी आइसोथर्मिक, तक दो आइसोबार। लेक्चर थे, मैंने कहा था एक बार देख लेना, अपलोड कर रखे हैं अंश, ओके देखा था? नहीं, नहीं। कोई नहीं, चलो। कौन गायब हुआ? प्रणव गायब हुआ, प्रणव तो यही है, आद्या गायब हुई है। हाँ जी, तो यहां पर देखिए, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी यूज करेंगे, इज इक्वल टू एन आर टी। आपको प्रेशर किस में लेके आना है? प्रेशर आप लीटर एटीएम में निकाल लीजिए, फिर कन्वर्जन का फैक्टर लगा देंगे। तो प्रेशर को अगर मैं एटीएम में निकालना चाह रहा हूँ, तो एन का वैल्यू कितना, एन का वैल्यू हो जाएगा 2, आर का वैल्यू कितना 0.0821, इंटू टेम्परेचर कितना 298, डिवाइड बाय वॉल्यूम कितनी हो गई मेरे पास, वॉल्यूम मुझे पता है, फाइनल वॉल्यूम 50 लीटर्स है, इस वॉल्यूम को मैं यूज करूंगा। ओके, सो प्रेशर मुझे पता चल गया, वर्क डन कितना हो जाएगा, पी एक्सटर्नल 2 × 0.0821 × 298 डिवाइड बाय 50 × 35, चेंज इन वॉल्यूम कितना है, 35 है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल शुड बी 35। परफेक्ट, 50 − 15 कर दिया, 35 आ जाएगा। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, ये जो वैल्यू निकाल के लेके आओगे, ये आपका एटीएम लीटर में आएगी वैल्यू, क्योंकि प्रेशर को एटीएम में रखा है, वॉल्यूम को लीटर में रखा है। लेकिन लेकिन लेकिन
लिटरल एटीएम से अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो जो भी वैल्यू आए उसको मल्टीप्लाई कर देना 101.3। ये फैक्टर होता है टू कन्वर्ट 1 लीटर एटीएम इज इक्वल इनटू 1 जूल। 1 लीटर एटीएम को अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो आप लिखोगे 101.3 जूल। ये फैक्टर रहेगा। एक बार वैल्यू निकाल दो। तो वैल्यू क्या निकल कर आया आद्या? हेलो आद्या, नहीं आया है। चलो मैं कैलकुलेट कर देता हूं, आपका नहीं आ रहा तो। थोड़ा मैथमेटिक्स था क्योंकि मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन दे दिया था। 0.0821 × 298 डिवाइड बाय 50 × 35 × 101.3। तो ये आता है 3469.73। ये जो आएगा वो वैल्यू आएगा 3469.73 जूल। ये वैल्यू आ जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, आपका आइसोथर्मल रिवर्सिबल में वैल्यू ज्यादा आई या इरिवर्सिबल में वैल्यू ज्यादा आई, वर्क डन की वैल्यू? और ये साइन क्या होगा? एक्सपेंशन है, आपका नेगेटिव साइन चल रहा था तो नेगेटिव साइन अपना लिख देंगे, साइन नेगेटिव रहेगा क्योंकि बाहर नेगेटिव चल रहा था कंटिन्यूअसली। हाँ, कौन गायब हुआ अब? गायब हुआ है आशय। ठीक, सो यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, ये वैल्यू फाइनली आपकी आ जाएगी। इस वैल्यू में आप जब कंपेयर करने जाओगे तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल में वैल्यू देखी, इरिवर्सिबल में वैल्यू देखी, कौन सी वैल्यू ज्यादा आई? आइसोथर्मल रिवर्सिबल की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है, मैग्नीट्यूड वाइज आइसोथर्मल रिवर्सिबल की वैल्यू ज्यादा है आइसोथर्मल इरिवर्सिबल से। तो हम लोग एक बात बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड वाइज जब भी देखेंगे तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल की वैल्यू is work done in isothermal reversible process is always greater than work done in isothermal irreversible process. If we check magnitude wise, the work done in isothermal reversible process is always greater than isothermal irreversible process. तो ये point एक लिख लेना और final value दोनों लिख के finally ये एक conclusion लिख देना कि work done in isothermal reversible process is always greater than work done, magnitude of work done in isothermal reversible process is always greater than magnitude of work done in isothermal irreversible process. Graphically next class में आपको logic समझाऊंगा कि graph से कैसे दिखा सकते हैं इसी चीज को। इसी चीज को हम लोग graph से दिखा पाएंगे कि क्यों ज्यादा होता है क्यों कम होता है। okay?
इतना आपका नोट डाउन हो गया हो तो आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं, क्योंकि काफी लोग गायब हैं, 3-4 लोग गायब हो रहे हैं। सर आज की वीडियो तो आप डालेंगे ना? हाँ, कल पिछली वाली भी डाल दी थी आद्या। हाँ सर, वो तो हो गया। हाँ, आज की भी डाल दूंगा, आज शायद शाम तक डलेगा, क्योंकि मैं मुझे फिर एक बार जाना पड़ेगा गाँव तो। ठीक है सर। हाँ श्रेया बोलो। सर आंसर क्या है असली, मतलब एग्जैक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? हाँ, मेरे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं था, अपनी तरफ से दिया था। और सर वो क्या क्रॉस है, मल्टीप्लाई है, 101? जो भी इस यहां से जो फैक्टर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 101.3, क्योंकि 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.3 जूल के बराबर होता है। ओके सर। ओके, मल्टीप्लाई किया था इस टर्म से इसको, यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं बचा था तो नीचे लिख दिया था। समझे सर? समझे। हाँ, तो ये रहेगा नरेंद्र अवस्थी के पहले 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, नरेंद्र अवस्थी के फर्स्ट 20 क्वेश्चंस। ठीक है आद्या? सर आप बता रहे थे किसका आंसर कैलोरी में दिया हुआ था? फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल के लिए नहीं था। हाँ, तो उसको चेंज कैसे करेंगे कैलोरी में? कैलोरी से जूल में कन्वर्ट करने के लिए कैलोरी को 4.1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, वहां से आंसर एग्जैक्ट निकल के आया, उसमें कोई मिस्टेक नहीं था, मतलब मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया था। नहीं सर, वो स्केल पता करना था। हाँ, समझ आया, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। चलिए, बाय एवरीवन। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर।